चार बंदे आए आपके पास, चार बंदे ये रूम देख के वो लेना चाहते हैं, तो कितने में ये रूम पड़ेगा? ज्यादा होंगे, बजट 1000 हो जाएगा। 1000 के अंदर स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है दीपांशु जोशी और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक गेस्ट हाउस के अंदर, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि कोई 400-500 रुपए या 1000 रुपए के अंडर कोई हमको रूम बताओ जो फैमिली के लिए हो और हम लोग आराम से आके स्टे कर सकते हैं 3-4 जने। तो मैं आज आपको लेके आया हूँ राई गेस्ट हाउस के अंदर। मैं भैया से जानना चाहता हूँ, कैसे हैं भैया? भैया ये कितना दूर पड़ता है अपना रेलवे स्टेशन से आपका गेस्ट हाउस? सर ये अपने रेलवे स्टेशन से सर तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट का रास्ता। 5 मिनट का? और दरगाह कितनी दूर है यहाँ से? दरगाह सर सेम, आप स्टेशन जाओ चले आओ चाहे दरगाह जाओ, हाँ मिडिल बिल्कुल बीच का, बिल्कुल बीच का मतलब एरिया पड़ेगा। और अपने रूम कितने से स्टार्ट होते हैं, कितने तक जाते हैं, मतलब हाईएस्ट? सर स्टार्टिंग है अपने 500 से लेके 1200 तक, 1200 तक जाते हैं। ठीक है, और तो सीजन के अकॉर्डिंग थोड़ा रेट ऊपर नीचे होता है। सीजन के अकॉर्डिंग अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, जब ऑन सीजन की अगर बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो कभी भी देखा जा सकता है, अगर सीजन की अपन बात करते हैं तो सीजन में क्या प्राइसिंग रहता है वो बताइए। सर सीजन में आप 1000 से लेके 2000 तक, मतलब कि जो 500 का रूम है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 का हो जाएगा। और ये एसी और नॉन एसी दोनों आपके पास मिल जाते हैं? हाँ सर अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है। चलिए पहले अपन रूम देखते हैं, किस तरीके के रूम्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ ये अपन को गेस्ट हाउस के अंदर मिलती है। गेस्ट हाउस कह सकते हैं एक टाइप का होटल ही मान लो आप, गेस्ट हाउस जैसे उन्होंने नाम रख रखा है, लेकिन सारी होटल्स की फैसिलिटीज़ ये आपको यहाँ पे देते हैं। चलिए अपन रूम देखते हैं और आपको भी मैं अपने साथ में रूम दिखाता हूँ। चलिए भैया रूम देखते हैं अपन, आइए। अभी भी ये कौन सा रूम है जो अपन देख रहे हैं अभी? ये सर फर्स्ट फ्लोर पे 101 डबल बेडरूम, डबल बेडरूम है ये वाला। ठीक है, तो जैसे 3 लोग आते तो वो स्टे कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ सर वो भी अवेलेबल है अपने पास। अच्छा, तो इस तरीके का कुछ आपको रूम देखने को मिलता है। यहाँ आपको टीवी कैबिनेट भी मिल जाते हैं, यहाँ आपको आपका रूम मिल जाता है। इसमें आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा ऐसे बाहर का व्यू देखने को मिल जाता है, ये ओपन हो जाती है खिड़की, और यहाँ पर आपको एसी मिल जाता है, और ये आपका वॉशरूम आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके का कुछ आपको डबल बेडरूम मिल जाता है। चलिए अपन इनका जो दूसरा बेडरूम है, जो 3 बेडरूम है, मतलब 3 जने या 4 जने आते हैं वो रुक सकते हैं, उसको एक बार देख के आते हैं वो कैसा है। चलिए भैया तो ये रूम कौन सा भी है? ये 3 बेडरूम है, बड़ा रूम है। अच्छा, मतलब इसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें वही अमेनिटीज अवेलेबल मिल जाती हैं। और ये कितने का रूम है मतलब वैसे? ये सर 1000 का पड़ता है। इसका आप बाथरूम देख सकते हैं, इस तरह का कुछ आपको इसका वॉशरूम देखने को मिलता है। अब जैसे जो भैया ये मान के चलो कि 4 बंदे आए आपके पास, चार बंदे ये रूम देख के वो लेना चाहते हैं, तो कितने में ये रूम पड़ेगा? तो अगर 4 जनों के हिसाब से अगर अपन बात करते हो तो आप बताइए, इधर आप बेडिंग लग सकते, एक्स्ट्रा बेड यहाँ पे आपको लग जाएगा, और ये रूम आपको 1000 का ही पड़ेगा, उसके कुछ चार्जेस ज्यादा होंगे। 1000 के अंदर 4 जनों के लिए कोई बेड के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, 1000 के अंदर आपको ये पूरा रूम दे देंगे। और बाकी जो भी फैसिलिटीज़ होगी वो तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो इनसे पूछ सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपको बता सकूं और आपको होटल से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।